define bureaucracy and explain the chief characteristics of bureaucratic authority bureaucracy kya hai aur bureaucratic authority ke characteristics hai kya to weber ne define kiya tha bureaucracy ko bureaucracy matlab administration government ke jo sare kaam hote hain wo ek bureaucracy ke system ke according hote hain matlab officers ek hierarchy mein jo hai bureaucracy is a type of social organization in hierarchical order hierarchical order मतलब एक seedhi की तरह है. एक के बाद एक मतलब कोई ऊपर के लेवल पे है कोई नीचे के लेवल पे है इन दिस ऑर्डर ईच पर्सन हैज सम पावर एंड अथॉरिटी हर एक सी पर कुछ लोग हैं और उनकी अपनी पावर और अथॉरिटी है मतलब पावर भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एम ऑफ द ब्युर्रेसी इज़ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ब्यूरोसी करती क्या है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है मतलब सब काम ठीक ठीक चलते रहे तो ये देखना जैसे गवर्नमेंट चलती रहे सारे काम होते रहे ये काम है ब्यूरोक्रेसी का ब्यूरोक्रेसी रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द ऑफिसल्स इन रिगार्ड टू तो देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिड नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट पावर टू देखो जिस तरह की उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें निभाने के लिए जितनी पावर उन्हें चाहिए वो उतनी पावर उनके पास है बट ऐसा नहीं है जो उनके मन में आए वो कर लें तो पावर का रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी इसमें है फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिशल रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए फिक्सड वे एज ऑफिशल ड्यूटी ऑफिसर्स जो, जो हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं एक हर में अरेंज वो ऑफिसर्स हैं मतलब जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो अरेंजड है तो जो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं या वो फिक्स्ड है कमांड आर इस्टूड बाई द हायर अथॉरटी जो हायर लेवल पर टॉप लेवल पर वही कमांड देगा वही ऑर्डर देगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाई सबोर्डिनेट इन ए स्टेबल वे मतलब जो सुपीरियर है वो अपने सबोर्डिनेट को ऑर्डर देगा कि क्या क्या करना है ऑफ इन आर हायर ऑफिसल सुपरवाइजर लोअर वन मतलब जो सुपीरियर है वही जो उसके नीचे हैं उन्हें देखेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है रिलायंस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ रिटर्न फॉर्म में है ब्यूरोसी में ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन इज ध कैरियेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में है हर चीज़ रिकॉर्ड है मतलब अपने मन से जो कुछ नहीं कर सकते आप ऐसा कुछ नहीं कर, जो बनवाया वो कर दिया जो भी होगा वो रिकॉर्ड होगा तो रिटर्न फॉर्म में है सब चीज़ें ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट इज ए स्पेशलाइज एंड मॉडर्न एक्टिविटी इट रिक्वायर्ड ट्रेन एंड स्किल्ड पर्सनल टू कंडक्ट ऑपरेशन ऑपरेशन से मतलब यहाँ डॉक्टर का नहीं है ऑपरेशन से मतलब है यहाँ जो काम करने हैं हर दिन के जो अपनी ड्यूटी करनी है वो है तो उसके लिए इस लायक वो इंसान भी होना चाहिए कि उस चीज़ों को हैंडल कर सके स्पेशलाइज्ड एंड मोटर्न एक्टिविटी रिक्वायर इसमें ट्रेंड एंड स्किल्ड इंसान चाहिए जो प्रॉपरली ट्रेंड हो और उनमें इस तरह की स्किल भी हो कि उनको काम कर सके कंडक्ट इन ऑफिस ऑफिशियल एक्टिविटी डिमांड द फुल टाइम ऑफ द दिन रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर टेबल लिमिटेड आवर एंड ऑफिस देखो जो ब्यूरोटिक जो ऑफिस हैं उसमें ऐसा नहीं एक, एक फिक्स टाइमिंग है मतलब आप को खुद की चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे रखना पड़ेगा ऑफिशियल जो एक्टिविटीज़ हैं जो ये ब्यूरोटिक एक्टिविटी हैं ये डिमांड करते हैं फुल टाइम अटेंशन अटेंशन तो आपको देनी पड़ेगी ये रेस्पेक्टिव ऑफ हर और ही डे आवर एंड ऑफिस कितने घंटे आप ऑफिस में रह रहे हो उसके अलावा भी आपको अटेंडिव होना ही पड़ेगा